हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के ब्लॉग में मैं आपको ऋषिकेश घुमाने वाला हूं, तो चलिए ऋषिकेश घूमना स्टार्ट करते हैं। अभी ऑलमोस्ट 3 बज गया है और 4-5 बजे के आसपास वो घाट का पोजीशन लेना पड़ेगा ताकि आरती थोड़ा सा ठीक तरह से शूट कर पाए आरती का। और आरती के बाद फिर जाएंगे होटल, अपना बैग लेंगे, बस का टिकट हो चुका है बुक करना, और निकल लेंगे। कुछ 12 बजे के आसपास का बस है, ये पता नहीं नेपाली फार्म करके कोई जगह है, वहाँ से बस छोड़ेगी, पता नहीं कहाँ पे है। फिर तो या ऑटो लेना पड़ेगा वहाँ के लिए। तो और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मंदिर दर्शन, गंगा आरती दर्शन। कल ऋषिकेश सर्च किया है इसमें, और ये देख भाई, और तो ये है गीता भवन। ये रामलीला के सारे तस्वीरें यहाँ पे लगाए हुए हैं। Yeah.
दोस्तों उसी के साथ मेरा ऋषिकेश का भी ट्रिप ख़त्म हो गया है। अब मैं बैकपैक ले लिया हूँ और जा रहा हूँ दिल्ली। कितना अच्छा लगता है ना, बस साल भर साल एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई टेंशन ना हो, बस लाइफ बिंदास। तो अभी जाएंगे, ऑटो पकड़ेंगे और ऑटो से जाएंगे बस स्टैंड जाके फिर देखते हैं। एक्चुअली मैंने जहाँ पे MMT से बुक किया था वो एक्चुअली यहाँ से कुछ 20 किलोमीटर के आसपास का है, तो इसलिए वो वाला टिकट मैं कैंसिल कर दूंगा। पहले मैं जाऊंगा बस स्टैंड, वहाँ पे जाके देखूंगा कि वहाँ पे से अगर मिल जाता है बस तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे उसी पे ही जाना पड़ेगा। एक चांस लेकर देखता हूँ यहाँ से बस स्टैंड से मिलता है तो अच्छा है, नहीं तो फिर वही एक आध घंटे का फिर डिस्टेंस ट्रैवल करो, वो मुझे नहीं करना है। तो चलिए सफ़र स्टार्ट करते हैं। बस स्टैंड चलोगे भैया? बस स्टैंड कितनी सवारी है? कितनी है? मैं हूँ भूत है। किराए के हिसाब से सबको इंतजार करना पड़े, फिर और बिठाएंगे हम। ऐसे पैसे ज़्यादा लगा थोड़ा बटोर तो कितना लोगे? 200 रुपये। अरे भैया ओके। तो ऑटो में ऑटो बैठ चुका हूँ, ऑटो में अभी जा रहे हैं बस स्टैंड। तिवारी